गोरखपुर में डीजे बजाने को लेकर दलित की हत्या हुई है, जिसकी गूंज अब लखनऊ में भी सुनाई देने लगी है। मायावती ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर में एक दलित की हत्या के बाद सियासत शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर घटना की निंदा की, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में आपराधिक तत्वों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका एक और नमूना आज गोरखपुर के चिल्लापुर क्षेत्र के रुदौली में देखने को मिला, जब अवैध खनन करने वाले गिरोह ने दलित परिवार पर हमला करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी और अन्य कई लोगों को घायल कर दिया। ये अति दुखद है और अति निंदनीय भी। मायावती ने ट्वीट में आगे लिखा, यूपी सरकार घटना का तुरंत संज्ञान लेकर सभी नामजद लोगों के खिलाफ तत्काल उचित धाराओं में सख्त एक्शन लेने के साथ ही अपराध नियंत्रण और इस प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक अपराधों और उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगा सकें, और बीएसपी की ये मांग है। बता दें कि गोरखपुर के रुदौली गांव से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरने के दौरान उस पर अश्लील गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था। ग्रामीणों के अश्लील गाना बजाने को लेकर पड़ोस के गांव के आरोपियों ने हमला कर दिया। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए लोगों की ओर से एक दबंग ने असलहे से फायर कर दिया। इस घटना में रुदौली गांव के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद रुदौली में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। हम लोग को पता नहीं था, पता नहीं क्या उन लोग को आपस में क्या किए क्या नहीं किए, तो फिर ऊपर नुंगड़ा डंडा लेकर पूरा लोगों से भर कर आए ट्रैक्टर ट्राली रोक कर, सब लोग मिलकर उसको पाए रास्ते में गांव में घूम घूम कर लगे मारने के लिए। हम भी खड़े थे तैयार कर जा रहे थे कहीं, तो हमको लगे मारने, इसीलिए हमको मारने लगे तो हमारे चाचा का लड़का है बचाने के लिए गया, उसको गोली मार दिए सर। क्या नाम है उनका? राजकिशोर। उम्र क्या है उनकी? उनका 47 साल। घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत दर्ज की। एसएसपी ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है, फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया है। परिजनों की तहरीर पर घटना में सम्मिलित लोगों के नामजद तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के साथ स्वॉट और एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है। घटना की जांच के लिए एसपी साउथ और सीओ गोला के निर्देशन में एक टीम लगाई गई है और सीसीटीवी की मदद से जांच की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और सभी जिला अधिकारियों द्वारा फोरेंसिक टीम द्वारा कर लिया गया है। परिवारजनों द्वारा इस घटना में सम्मिलित लोगों को नामजद करते हुए एक तहरीर थाना बड़लगंज पर दी गई है, जिसपे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ स्वॉट एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया गया है। घटना की सभी पहलुओं पर जांच करने हेतु एसपी साउथ और सीओ गोला के निर्देशन में एक टीम लगाई गई है। स्थानीय जो लोग थे प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे घटना की सभी जानकारियां ली जा रही हैं। सीसीटीवी में भी जो चीजें कैद हुई हैं उसको भी लेकर के देखा जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पूरे गांव में तनाव का माहौल है। इसके लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और अब मायावती के ट्वीट के बाद घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है।